हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम जगविंदर है चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि स्टब जोन डीएनएस में क्या होता है तो स्टब जोन एक ऐसा जोन है जो किसी भी अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर की तरफ इशारा करता है यानी कि हम किसी जोन में अगर जैसे कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी जोन में पूरा का पूरा डेटा हम ट्रांसफर कर लेते हैं तो यहां पे हम पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफर ना करके केवल कुछ रिकॉर्ड्स को वो जरूरी रिकॉर्ड्स को अपने जोन में ट्रांसफर करते हैं जिनसे कि हम दूसरे जोन के दूसरे नेम स्पेस को रिजोल्व कर सकें तो जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे हैं स्टब जोन इज अ कॉपी ऑफ जोन डैट कंटेन्स ओनली दोज रिसोर्स रिकॉर्ड्स नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द ऑथरिटेटिव डोम डोमेन नेम सिस्टम डी एन एस सर्वर फॉर डेट जोन एक ऐसा सर्वर एक ऐसी कॉपी जो केवल अथॉरिटेटिव डोमेन नेम सिस्टम सर्वर की तरफ या फिर नेम सर्वर की तरफ इशारा करती है किसी और जोन के स्टब जोन हमें हेल्प करता है दो डिफरेंट और सेपरेट नेम स्पेस के बीच में क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए और क्वेरी प्रोसेस को बड़ा फास्ट बनाता है ये हमें तब जरूरत पड़ सकती है जब दो कंपनीज आपस में मर्ज हुई हूँ या फिर एक कंपनी और उसकी पार्टनरशिप कंपनी के बीच में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन होता हो और हम नहीं चाहते कि ये क्वेरी प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो तो हम उस केस में स्टब जोन क्रिएट कर सकते हैं स्टब जोन को डायनेमिक कंडीशनल फॉर्वर्स भी कुछ डॉक्यूमेंट्स में कहा जाता है तो जो नॉर्मल हमारा क्वेरी प्रोसेस होता है वो इस प्रकार होता है कि आपका जो सर्वर है मान लीजिए ये पी सी जो ये हमारा कंप्यूटर है अगर ये pc1.abc.com से कम्युनिकेट करना चाहता है तो ये क्वेरी भेजता है क्वेरी इसके डीएनएस सर्वर के पास जाती है डीएनएस सर्वर अगर इसके कैशे में पहले से abc.com कॉम रिजॉल्व नहीं है तो ये रूट के पास जाएगा और अगर रूट क्योंकि अथॉरिटेटिव नेम सर्वर है फर्स्ट लेवल डोमेन्स के लिए तो इसके पास एबीसी की कॉम इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो ये रूट सर्वर इस एक्स वाई जेड को केवल एक रेफरल आंसर दे देता है डॉट कॉम सर्वर का तो ये जो एक्स वाई जेड सर्वर एक्स वाई जेड डॉट कॉम सर्वर है डीएनएस सर्वर है ये डॉट कॉम सर्वर के पास जाता है और डॉट कॉम अपना रिकॉर्ड चेक करके इसको एबीसी डॉट कॉम डी एन एस सर्वर का एड्रेस बताता है और उसके बाद ये सर्वर डायरेक्टली इसके पास जाता है तो ये कुछ इन्वायरमेंट्स ऐसा चाहती हैं मे बी ड्यू टू मर्जर मतलब ये दो कंपनीज हैं एबीसी डॉट कॉम और एक्स वाई जेड डॉट कॉम अगर इनमें कोई मर्जर हो गया है और आप चाहते हैं कि जो क्वेरी प्रोसेस है वो रूट डॉट कॉम वाला पाथ फॉलो ना करके डायरेक्टली क्वेरीज एबीसी डॉट कॉम की रिजोल्व कर दे एक्स वाई जेड का नेम सर्वर और एक्स वाई जेड की क्वेरीज को एबीसी का नेम सर्वर रिजोल्व कर दे तो इस केस में हम कंडीशनल फॉरवर्डर्स या उसके अलावा स्टब जोन क्रिएट कर सकते हैं तो क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन इस वीडियो में स्टब जोन की तरफ है तो हम स्टब जोन के बारे में बात करते हैं तो स्टब जोन जो हमारा अगर हम क्रिएट करते हैं मान लीजिए मैं इसको एक्स वाई जेड डॉट कॉम सर्वर में क्रिएट कर रहा हूं तो ये हमारे ए बी सी डॉट कॉम जो डोमेन है उसके डी एन एस सर्वर की तरफ केवल इशारा करता है और कुछ रिकॉर्ड्स को ही कॉपी करता है जिससे मेरी रेजोल्यूशन थोड़ी सी फास्टर हो जाती है और मुझे ये रूट डॉट कॉम वाला पाथ नहीं लेना पड़ता है इसके अलावा स्टब जोन का एक और बेनिफिट भी है कि स्टब जोन पूरा का पूरा रिकॉर्ड अपने यहां पे कॉपी नहीं करता है मान लीजिए अगर मैं एक्स वाई जेड डॉट कॉम में एबीसी का स्टब जोन क्रिएट करता हूं तो ये सभी के सभी रिकॉर्ड्स का डेटाबेस यानी कि पी सी वन पी सी टू पी सी हंड्रेड पी सी टू हंड्रेड इस सबका रिकॉर्ड अपने यहाँ नहीं लेके आएगा ये केवल ए बी सी में रखे हुए नेम सर्वर्स का रिकॉर्ड अपने पास लेके आएगा और इसको डायनेमिक कंडीशन फॉरवर्डर इसलिए बोला जाता है कि अगर ए बी सी में चार पांच डी एन एस सर्वर्स हैं तो ये ऑटोमेटिकली अगर मैं एक का नेम सर्वर का एड्रेस यहाँ दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली उन चार पांच को अपडेट कर लेगा जब भी हम स्टब जोन क्रिएट करते हैं तो जो कुछ रिकॉर्ड्स वहां से कॉपी होते हैं मास्टर डेटा से उनमें से एक रिकॉर्ड होता है एसओ रिकॉर्ड यानी कि स्टार्ट स्टार्टअप अथॉरिटी रिकॉर्ड नेम सर्वर या एनएस रिकॉर्ड और ए रिकॉर्ड यानी कि होस्ट रिकॉर्ड और इसके अलावा आईपी एड्रेस ऑफ वन और मोर मास्टर सर्वर डेट कैन बी यूज टू अपडेट द स्टब जोन तो मास्टर सर्वर्स के आईपी एड्रेसेस भी आ जाते हैं चलिए इसका प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करके देखते हैं कि कैसे हम स्टब जोन क्रिएट करते हैं तो मैंने एक सर्वर लिया है डी सी dc1.king.com तो हम इसमें एस हमने इंस्टॉल कर रखा है और डीएनएस में कुछ जोन भी हमने जैसे कि क्योंकि ये डोमेन कंट्रोलर है तो एक जोन तो इसमें अपने आप से ही बन जाएगा फॉरवर्ड लुकअप जोन में वो है किंग तो चलिए हम चाहते हैं कि इसमें एक स्टब जोन क्रिएट करें तो मैं फॉरवर्ड लुकअप जोन पे राइट right क्लिक करता हूं और न्यू जोन सिलेक्ट करता हूं इसके बाद एक विजिट स्टार्ट होता है नेक्स्ट प्रेस करता हूं तो देखिए जैसे कि हमने पहले डीएनएस के वीडियोस में देखा है प्राइमरी जोन सेकेंडरी जोन अभी हम सिलेक्ट कर रहे हैं स्टब जोन अगर आप चाहते हैं कि इस जोन को आप एक्टिव डायरेक्टरी में स्टोर करें ताकि वो एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ही रेप्लीकेट हो जाए तो इस ऑप्शन को सिलेक्टेड रहने दीजिए अगर आप एक जर्नल स्टब जोन क्रिएट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो एक्टिव डायरेक्टरी में स्टोर ना होकर एक फाइल में सेव हो तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास एक और रेप्लीकेशन रिलेटेड एक विजिट में ऑप्शन आती है कि ये जो रेप्लीकेशन होगी इस स्टब जोन की वो कहाँ कहाँ होगी तो इसमें तीन ऑप्शन हैं कि फॉरेस्ट में डोमेन के सभी डी सर्वर्स के पास या फिर सभी डोमेन कंट्रोलर्स के पास तो जैसा आप चाहें तो ये पुराना विंडोज 2000 थाउजेंड कंपेटेबिलिटी के लिए है तो हमने इसमें से सिलेक्ट किया है टू ऑल डी एन एसर्वर्स इन दिस डोमेन किंग डॉट कॉम और नेक्स्ट पे सिलेक्ट करते हैं मान लीजिए हम जो जोन क्रिएट करने वाले हैं वो याहू के लिए करने वाले हैं तो हम यहां लिखते हैं याहू डॉट कॉम हमारा याहू से हमारा कोई एग्रीमेंट हुआ है और हम नहीं चाहते कि वो डॉट रूट वाला पाथ फॉलो करे याहू डॉट कॉम में डालता हूँ तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट करता हूँ तो वो कह रहा है कि याहू का आपके पास डीएनएस सर्वर होना चाहिए अगर आपकी कंपनीज में मर्जर हुआ है या दो कंपनीज में आपस में कोई एग्रीमेंट है तो आपको दूसरी कंपनी के डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस पता लगाना होगा तो हमें यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी कंपनीज नहीं है ना मैंने कोई ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है तो मैं याहू को यूज करता हूँ तो मुझे यहाँ पे याहू का मास्टर डीएनएस सर्वर पता लगाना होगा इसके लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे एक कमांड लिखता हूं एन एस लुक अप सेट नेम सर्वर सेट टाइप इज इक्वल टू नेम सर्वर और इसके बाद मान लीजिए मैं याहू के नेम सर्वर्स का पता लगाना चाहता हूं तो मैं यहाँ लिखता हूं याहू डॉट कॉम तो देखिए यहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई याहू के कुछ नेम सर्वर्स की इनमें से हम किसी के एक को कॉपी कर लेते हैं और अभी देखिए याहू के बहुत सारे नेम सर्वर्स हैं तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं एंटर प्रेस करते हैं देखिए ने इसके इसको रिजोल्व कर लिया और नाम दे दिया एन एस वन डॉट याहू डॉट कॉम नेक्स्ट करते हैं और फिनिश करते हैं तो आप देखिए अगर मैं याहू को क्लिक करता हूं तो देखिए तो स्टर्ब जोन एक डायनेमिक कंडीशनल फॉरवर्डर की तरह वर्क करता है मैंने एक ही नेम सर्वर का एड्रेस दिया लेकिन उसने जितने भी नेम सर्वर्स थे उनको अपने आप से उठा लिया अब मेरी जो क्वेरीज हैं, वो रूट या रूट के बाद डॉट कॉम के पास न जाके सीधा इस नेम सर्वर्स के पास या इन नेम सर्वर्स के पास ऑटोमेटिकली चली जाएंगी इसका जो एक बेनिफिट है वो ये भी है कि अगर कल को जो हमारे याहू डॉट कॉम है किसी कारण से यहां से चार सर्वर्स को हटा के कोई चार सर्वर्स नए ले आती है एन एस नाइन एन एस टेन एन एस इलेवन ट्वेल्व तो हम मुझे ये और बॉदर करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को वो वो चार पांच रिकॉर्ड्स अपडेट करने पड़ेंगे वो चार पांच रिकॉर्ड्स जो यहाँ से हटेंगे वो अपने आप यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और जो नए चार सर्वर्स आएंगे और उनके जो नेम सर्वर्स होंगे वो अपने आप से ऐड हो जाएंगे तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम स्टब जोन कैसे क्रिएट करते हैं और स्टब जोन के क्या बेनिफिट्स हैं थैंक्स फॉर लिसनिंग